सो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और आज हमारे साथ है दीपक जी। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं, जैसा कि मैं पहले भी बताया था, हमारे जंगल में एक चौतरा है। वहाँ नवरात्रि के टाइम पे आपको लाइव दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है, तो ब्लॉग में बने रहें। तो चलिए, अभी तो हम फिलहाल जंगल में हैं, अभी आधे रास्ते में हैं, तो अभी जाएंगे, थोड़े दूर और बचे हैं, तो ब्लॉग ना छोड़ें और आज के ब्लॉग ज़रूर देखें, क्योंकि आज कुछ नया होने वाला है, तो ब्लॉग ना छोड़ें। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसा कि गाइस देख सकते हो कि हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। अभी सो गाइस, जैसा कि अभी आप देखें, अभी लोग बाग अभी आए नहीं हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। और अभी कन्या जो भोजन होगा तो कन्या भी बुलाया जाएगा, तो यहाँ अभी कन्या भी नहीं आए हैं। और अभी लोग बाग धीरे धीरे आते जाएंगे, यहाँ करीबन 8-9 बज जाता है रात जाते तक में। तो गाइस, जैसा देख सकते हो, यहाँ अभी कुछ लोग प्रसाद भूंज रहे हैं और इसके बाद कुछ लोग सो गाइस, अभी कीर्तन लेने जाना पड़ रहा है वापस, तो वहाँ से फिर आएंगे अभी कीर्तन लेके। तो जब बजते तो अभी बने रहें ब्लॉग में, देखते रहें क्या क्या होता है ब्लॉग। सो गाइस, हम लोग मेन रोड में आ गए हैं, देख सकते हो। अब जा रहे हैं दुर्गा पंडाल, वहाँ से कीर्तन लाना है। तो अभी कीर्तन पंडाल से महाराज जल्दी चलो बुलाएं। तो अभी महाराज जी निकल गए हैं, अभी कथा होगा वहाँ, तो अभी चले गए हैं, तो हम भी चलते हैं वहाँ से, जल्दी हमको भी आना पड़ेगा। तो बने रहें ब्लॉग में। कीर्तन लेके जंगल में आ चुके हैं, बस थोड़ी देर बाद चौतरा पहुंचने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हो, आगे आगे कीर्तन लेके जा रहे हैं, देख सकते हो। तो गाइस, अभी जाएंगे तो वहाँ कथा होगा और प्रसाद वितरण होगा, कन्या भोजन होगा। तो जैसा कि गाइस आपको मैं बारी बारी सब दिखाऊंगा, तो ब्लॉग ना छोड़े, ब्लॉग में बने रहें और इन्जॉय करते रहें। तो जैसा गाइस देख सकते हो, अभी भजन के साथ कीर्तन ले जाया जा रहा है आगे, तो ब्लॉग में बने रहे। राजा राम
तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चौतरा। जैसा कि देख सकते हो आरती हो रही है, आरती के साथ साथ हम लोग भी अंदर जाएंगे, तो बने रहें ब्लॉग में। देख सकते हो पहली गाइस हम लोग वही चौतरा में है, तो इतना सारे भीड़ है और इधर भी लोग बस बैठे हैं और वहाँ पास कथा भी हो रही है। तो गाइस चैनल में बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे गाइस देखिए आप लोग कितना भीड़ भाड़ है और अभी लोग बजाते जा रहे हैं और इतने सारे बच्चे इधर बच्चे खेल रहे हैं देख सकते हो। और अभी कथा और कन्या भोजन होने वाला है, तो चलिए चलते हैं देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ भीड़ बहुत अच्छी है, लोग कन्या भोजन हो रही है अभी, तो देख रहे हो अभी बच्चे को बैठाया जा रहा है, जितने भी कन्या है उनको बैठाया जा रहा है। इसके बाद कन्या प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद सबको घर जाएंगे। यहाँ पास गाइस झंडा लगा रहे हैं, यहाँ हमारे नौजवान जो है झंडा लगा रहे हैं। जैसा देख सकते हो कन्या बैठा दिए हैं, उनको अब प्रसाद वितरण होगी, तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस जैसा देख सकते हो बच्चों को पूरा पत्तल उत्तल दे दिए हैं, मुझे स्कूल को कन्या भोजन के लिए कराया जाएगा। तो देख सकते हो लोग बहुत बहुत हुए, अंधेरा हो चुका है इसलिए नहीं दिखता है। जैसे कि अंधेरा होते जा रहा है तो इसके बाद दिखेगा नहीं। हाय दोस्तों, ये जो गाइस देख सकते हो कितना अंधेरा हो चुका है और अभी हम लोग जंगल में ही हैं, जो कि देख सकते हो अभी कन्या भोजन हो रहा है, बहुत अंधेरा हो चुका है। तो गाइस अभी इतना अंधेरा हो चुका है, आप चलेंगे घर, तो देख सकते हो तो अभी चलेंगे घर। हेलो गाइस देख सकते हो कितना अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में सबके सब लोग जा रहे हैं घर, और अभी के डेट में इतना अंधेरा है कि भालू भी निकल सकता है।
सो फाइनली गाइस हम रास्ते में आ गए हैं जंगल से उतर के, देख सकते हो कुछ दूर पे बाद हम लोग का घर है, तो हम अभी घर जा रहे हैं। तो गाइस जैसा कि बता दे इतना देर तक इतना अभी और लोग आए नहीं हैं, जैसा कि हम लोग पहले आ चुके हैं और रास्ते में हैं, देख सकते हो हम रास्ते में आ चुके हैं और बहुत लोग आ चुके हैं और बहुत लोग बचे भी हैं, तो सामान लेके आएंगे। अंधेरा हो रहा था तो हम लोग जल्दी आ चुके हैं,